हेलो गाइस, मैं बिग बॉस 16 से जुड़ी हुई लेटेस्ट खबर लेकर आपके सामने पेश हुई हूँ। बिग बॉस के घर में दिखाया जा रहा है कि जो अर्चना है वो काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रही है, जिस वजह से प्रियंका ये बात का बहुत ज्यादा ध्यान रख रही है कि अर्चना के मुंह से कुछ ऐसी बात ना निकल जाए जिस बात को लेकर बहुत ही बड़ा टॉपिक बन जाए और अर्चना ही गलत दिखे। बात ये होती है कि जो शिव ठाकरे है वो अर्चना को बहुत ही बुरे भले टॉट मार रहे हैं, उन्हें बहुत बुरा भला कह रहे हैं, जिस वजह से अर्चना भी काफी ज्यादा गुस्सा करती हुई नजर आ रही है। और तभी प्रियंका चौधरी कहती है कि हाँ अर्चना वो तुम्हें जानबूझकर परेशान कर रही है, लेकिन तुम ना उन्हें फुटेज ही मत दो, तो उनको भाव मत देगी ना तो वो अपने आप चुप कर जाएंगे। लेकिन तभी अर्चना कहती है कि अगर मैंने शिव को ऐसा बोल दिया, वो आज वहां पर बिग बॉस म्यूट कर देते हैं, वो वर्ड सुनाई नहीं देता। लेकिन वो वर्ड को सुनकर प्रियंका चौधरी भड़क जाती है और वो अर्चना को कहने लग जाती है कि अर्चना शट अप, तू ऐसी बात कभी भी नहीं करेगी, अपने जुबान से तो कभी भी निकालेंगी नहीं, मैंने कह दिया ना तो तू मेरी बात सुन ले। जिसको सुनकर जो अर्चना है वो बिल्कुल साइलेंट हो जाती है। पहले तो प्रियंका उन्हें डांट कर चुप करवा देती है और उसी के बाद प्रियंका बाद में अर्चना को हंसाने लग जाती है और कहती है कि मैं नहीं चाहती अर्चना इन लोगों की वजह से तुम गलत दिखो, क्योंकि मुझे पता है कि जो लोग जानबूझकर इतनी ज्यादा उंगली करते हैं कि सामने वाला बंदा मजबूर हो जाता है इनकी बोलती बंद करने के लिए, और जब हम कुछ बोल देते हैं ना तो हमारी बात को बहुत ज्यादा उठाया जाता है, तो मैं नहीं चाहती कि तू गलत दिखे, तो मैं तुम्हें इसलिए कह रही हूँ कि तू इसे इग्नोर ही कर दे, तू अगर फुटेज ही नहीं दोगी तो जी शिव क्या कर लेगा। तो अर्चना भी कहीं ना कहीं प्रियंका चौधरी की बात समझ जाती है और खुश होती है कि प्रियंका चौधरी ने उन्हें एक गलत काम करने से रोक लिया। आई होप आपको भी प्रियंका चौधरी का ये व्यू बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी कर दीजिए। धन्यवाद।